ये कहानी मारिया और अम्बिली नाम के निहायती हफ्सी और ठरकी आदमी के बारे में है, जो अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इस मूवी का नाम है द बिशप्स बेडरूम। तो कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जहां उस दौरान बमबारी और तनाव से बचने के लिए मिलान के कुछ अमीर लोगों ने शहर छोड़ के झील के किनारे आके एक गांव में बस गए थे। उन्हीं अमीर परिवारों में से एक परिवार था और अम्बिली परिवार, जिसकी हेड थी क्लॉफी और अम्बिली। उनका फैमिली काफी रिच था और झील के किनारे उनका एक बहुत बड़ा शानदार महल था। क्लॉफी के पति का नाम था मारियो और अम्बिली, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी मैन था। वो एक बहुत ही बड़ा अय्याश और लड़कीबाज किस्म का आदमी था, जिसके पास आवारा गर्दी करने के अलावा और कोई काम नहीं था, क्योंकि क्लॉफी उसके बारे में सब कुछ जानती थी, इसीलिए उस पे वो काफी कड़ी नजर रखती थी। क्लॉफी के साथ उसके छोटे भाई की बीवी मार्टिला भी रहती थी, जिसका पति 10 साल पहले युद्ध पे गया था, लेकिन वो अभी तक वहां से वापस नहीं लौटा। क्लॉफी के शानदार विला में एक बेडरूम था, जो कि क्लॉफी के ग्रे रंगर बिशप का था, जो कि मीठे थे और वो अपने प्रेमी से मिलने के बहाने अपने पूर्वजों के इस गांव में आया करते थे। लेकिन यहां पर झील में डूबने के कारण उनकी मौत हो गई थी, पर गांव वालों के मुताबिक उनके मीठे होने का सच उनके घर वालों को पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने उनको पानी में डुबाकर मार दिया था। क्योंकि इस बात को 50 साल बीत चुके हैं, इसीलिए इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उनकी हत्या हुई है। मारियो अपने आर्मी रिटायरमेंट के बाद बहुत ही बोर हो रहा होता है और अपनी पत्नी क्लॉफी के पैसों पे ऐश करता है। वो अब भी अपनी पहली वाली जिंदगी जैसी एक रंगीन जिंदगी जीना चाहता है, जब उसके कई लड़कियों के साथ संबंध हुआ करते थे। आगे हमें पता चलता है कि मारियो अपनी सिस्टर इन लॉ मार्टिंडा को मनीमन पसंद करते थे और उसके साथ गपागप करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के डर के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल मारियो पैसों के लिए अभी भी अपनी बीवी पे निर्भर है, इसीलिए क्लॉफी उसे दबाकर रखती है और उसके सामने वो एक भीगी बिल्ली है। एक दिन मारियो की मुलाकात मार्को नाम के एक आदमी से होती है, जो कि लगभग माथिल्ला के उम्र का होगा। दरअसल मार्को भी मारियो की तरह एक आवारा था। अपने बोट में झील में इधर उधर घूमने और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के अलावा उसका भी कोई खास काम नहीं था। वो इसी बोट पर ही रहता था, क्योंकि मार्को और मारियो का नेचर एकदम सेम थी, इसीलिए उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद मारियो मार्को को अपने घर डिनर करने के लिए इन्वाइट करता है, जिसमें मार्को तुरंत मान जाता है। डिनर टेबल पे वो चारों बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। मार्को को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि घर में मारियो की कोई औकात नहीं है और यहाँ पे सिर्फ उसकी बीवी क्लॉफी की चलती है। इसके बाद डिनर टेबल पे मार्टिला के पति एंजेला की बातें होती है, जो कि 10 साल से लड़ाई से नहीं लौटा है। मार्टिला से उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी, जब मार्टिला सिर्फ 16 साल की थी। शादी के तुरंत बाद ही एंजेला को लड़ाई पर जाना पड़ा। शादीशुदा होते हुए भी वो एक कुंवारी है, इसीलिए क्लॉफी मार्टिला पे काफी कड़ी निगरानी रखती है और उसे एक पंछी की तरह पिंजरे में कैद करके रखती है। मार्टिला की हालत मार्को से देखी नहीं जा रही थी और वो मार्टिला को यहाँ से भगा के कहीं दूर ले जाना चाहता था, जहाँ पे वो उसे खूब सारा प्यार दे सके। मार्टिला एक खूबसूरत लड़की थी और पहली नजर में ही मार्को उसके प्रति आकर्षित हो गया था। डिनर के बाद मारियो मार्को को वहीं पर रात गुजारने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वही कमरा लगाता है जिसमें क्लॉफी के अंकल बिशप रहते थे। उस कमरे से मार्को को मार्टिला का कमरा साफ नजर आता है, जहाँ रात को वो मार्टिला को अपने मौत के कुएं में उंगली डालते हुए देखता है। उसके प्रति उसकी चाहत और भी बढ़ जाती है, लेकिन अगली सुबह उसे ना चाहते भी वहाँ से जाना पड़ता है। मार्को अपने बोट से वहाँ से निकल रहा होता है, तब मारियो उसके साथ झील घूमने की बात करता है, इसीलिए मार्को उसे अपने साथ बोट में ले जाने के लिए राजी हो जाता है। दोनों झील में काफी देर घूमने के बाद मार्को मारियो को अपने गर्लफ्रेंड के घर ले जाता है, जहाँ पर उसकी एक सहेली भी होती है, जिसपे कई बार मारियो अपना किस्मत आजमाता है। जिसके बाद बोट पे वो सब नंगे पुंगे होके काफी इंजॉय करते हैं। सेना छोड़ने के बाद इतने सालों बाद मारियो के लाइफ में ऐसा एडवेंचर आया है और वो अपने पुराने दिन को याद करते हुए इमोशनल हो जाता है। एक शाम मार्को कुछ सामान लेने के लिए शहर जाता है और अगली सुबह वापस आके देखता है कि मारियो उसकी ही गर्लफ्रेंड के साथ एक ही बेड पे लेटा है। और पूछने में मार्को की गर्लफ्रेंड बोलती है कि कल रात को मारियो अकेले सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको काफी डरावने सपने आ रहे थे, इसीलिए उसने मारियो को अपने साथ सोने दिया। यहाँ मार्को क्लियरली समझ जाता है कि मारियो कितना चालाक और ठरकी आदमी है, जो अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए किसी के भी पीठ पे छुरा मार सकता है, चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो। लेकिन इस बात का असर मार्को पे ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति सीरियस नहीं था। मारियो मार्को के साथ कुछ दिन बोट पे बिताने के बाद अपने विला वापस आता है। वो अपनी पत्नी क्लॉफी को बिना बताए ही मार्को के साथ झील घूमने गया था और वापस आने के बाद वो अपनी पत्नी का सामना नहीं करना चाहता था। लेकिन वो विला से कुछ दूर बाइनोक्युलर से देखता है कि विला में क्लॉफी का कजिन भाई अपनी जवान बेटियों के साथ आया है। मारियो को अपना ठरक साधने के लिए जैसे दो और जवान शिकार मिल गए थे, इसीलिए वो बिना देरी करे सीधा घर लौटता है। वहाँ पे मारियो क्लॉफी के कजिन के दोनों बेटियों को बोट दिखाने के बहाने बाहर ले जाता है, जहाँ पे उन दोनों के साथ अपना ठरकी हरकत करना शुरू कर देता है। तभी अचानक वहाँ उनके पिता जाते हैं और मारियो के हरकत को देख लेते हैं। अपनी बेटियों के साथ ऐसा होते हुए देख के क्लॉफी का कजिन मारियो को काफी गालियां देते हैं और अपने दोनों बेटियों को वहाँ से लेके चले जाते हैं। उसी टाइम मार्को भी वहाँ पर मौजूद था और मारियो को ये सब घटिया हरकत करते हुए देख रहा था। तभी उनका घर का माली मार्को को बताता है कि मारियो बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ और एक नंबर का ठरकी आदमी है, जो कि कभी कभी उसकी भी बेटियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। लेकिन वो मारियो को धमकी दिया है कि उसने कभी भी उसकी बेटी पर बुरी नजर डाला तो वो उसी पेट छाटने वाली कैंची से उसका स्पाइडरमैन काट देगा।
वो भी मार्को के सामने मारियो को काफी टॉन्ट मारता है, जो कि मारियो की पत्नी क्लॉफी भी सुन रही थी। लेकिन वो माली को बिल्कुल भी नहीं रोकती, क्योंकि वो अपने पति की हरकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। यहाँ हम व्यूवर्स जान पाते हैं कि मारियो को घर पे किस नजर से देखा जाता है, जहाँ उसकी पत्नी के साथ साथ उसके घर के माली भी उसकी इज्जत नहीं करते थे। उस दिन मारियो काफी बेइज्जत होने के बाद रात को मार्को से मिलने जाता है और वो उसे बताता है कि वो और मार्टिल्डा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी क्लॉफी के कारण उन दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। लेकिन क्योंकि वो मार्टिल्डा के साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहता है, इसलिए वो मार्को से रिक्वेस्ट करता है कि वो मार्टिल्डा को अपने बोट पे आने दे, और मार्को को भी अपनी गर्लफ्रेंड को बोट पे बुलाने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि उसके आने से मार्टिल्डा को कंपनी मिल जाएगी। दोस्तों, मारियो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे भी पता रहता है मार्टिल्डा धीरे धीरे मार्को को पसंद करने लगी है, और इसीलिए वो उनके प्यार की झूठी कहानी मार्को को सुनाता है ताकि उनके बीच कुछ शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाए। वो मार्को को उसकी गर्लफ्रेंड को साथ लाने के लिए इसीलिए कहता है ताकि वो मार्टिल्डा को दिखाना चाहता था कि मार्को की गर्लफ्रेंड है। इधर मार्टिल्डा के 10 साल से लापता पति को मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। अगले दिन हम मारियो, मार्टिल्डा, मार्को और उसकी गर्लफ्रेंड को बोट पे देखते हैं, जहाँ मारियो मार्टिल्डा के साथ काफी मस्ती करता है। लेकिन हम मार्टिल्डा और मार्को के बीच आंखों ही आंखों में प्यार भी देखते हैं, और दोनों बीच बीच में ही मौका मिलने पे लपलपाटा करते हैं। इसके बाद मारियो मार्टिल्डा और अपने लिए एक होटल में अलग अलग रूम बुक करता है, लेकिन असल में वो उस रात मार्टिल्डा के कमरे में ही बिताना चाहता था। यहाँ मार्को भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बोट पे होता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए देर रात वो शहर के गलियों में घूमने के लिए निकल जाता है, जहाँ घूमते घूमते उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जो कि उसे मारियो की तरह लगता है। लेकिन वो आदमी तेजी से साइकिल पे कहीं जा रहा होता है, लेकिन मार्को इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन रेस्टोरेंट में जब सब खाना खा रहे होते हैं, तभी एक पुलिस ऑफिसर मारियो को आके एक पूरी खबर देते हैं कि उसकी पत्नी क्लॉफी की मौत झील में डूबने के कारण हो गई है। लेकिन दोस्तों, हमें देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें क्लॉफी के मरने के बिल्कुल भी दुख नहीं है। पुलिस काफी जोर शोर से क्लॉफी के केस की छानबीन में लग जाती है। तभी उनके हाथ एक लेटर लगता है जो कि मारियो ने खुद अपनी पत्नी के लिए लिखा था, जिसमें मारियो ने मार्टिल्डा से अपने प्यार का जिक्र किया था, और शायद इसी बात से डिप्रेस होकर क्लॉफी ने सुसाइड कर लिया था। और पुलिस इस केस को सुसाइड घोषित करके क्लोज कर देती है। इसके कुछ दिन बाद मारियो मार्टिल्डा से शादी कर लेता है, और इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। मारियो और मार्टिल्डा भी अपने शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, और मार्को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। लेकिन अभी उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है, और पता नहीं आजकल क्यों वो बहुत ज्यादा बेचैन रहता है। जिसके बाद एक दिन वो मारियो और मार्टिल्डा से मिलने के लिए उनके घर जाता है, जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि मारियो और मार्टिल्डा के बीच रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और मार्टिल्डा के प्रति मारियो का एक्साइटमेंट जैसे एकदम खत्म हो चुका है। बीच में कुछ देर के लिए जब मारियो बाहर जाता है, तब मार्टिल्डा मार्को से कहती है कि उसके मुताबिक क्लॉफी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि मारियो ने ही उसे मारा है। इस पर मार्को कहता है उसे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उस रात उसने एक आदमी को देखा था जिसकी कदकाठी बिल्कुल मारियो ही जैसी थी, और उसको साइकिल से कहीं तेजी में जाते हुए देखा था। हो सकता है उस रात मारियो साइकिल से घर आया हो और उसने ही क्लॉफी को झील में डुबाकर इस हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया हो। एक दिन अचानक से मारियो के घर पे एक आदमी आता है, जो कि और कोई नहीं मार्टिल्डा का पति एंजेलो होता है, जो कि 10 साल से लापता था और जिसे ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया था। उसे जिंदा देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और हमें पता चलता है कि एंजेलो यहाँ मार्टिल्डा के लिए नहीं आया है, बल्कि इसीलिए आया है क्योंकि उसे अपनी बहन की आत्महत्या की खबर मिली थी। आगे एंजेलो बताता है कि अभी तक वो अपनी बहन से चिट्ठी के द्वारा बात करता था, और उसकी बहन को भी पता था कि उसका भाई जिंदा है, और क्लॉफी ने ये बात सबसे छुपा के रखी थी। दरअसल युद्ध के दौरान एंजेलो को दुश्मनों ने बंधक बना लिया था, जहाँ पर उसको वो इस हद तक टॉर्चर करते हैं कि वो लोग एंजेलो का प्राइवेट पार्ट भी काट देते हैं, और यही वजह थी कि उसके अंदर सारे एक्साइटमेंट खत्म हो चुके थे और वो वापस नहीं आना चाहता था। लेकिन उसकी बहन की सुसाइड की खबर ने उसे यहाँ पे आने के लिए मजबूर कर दिया था। आगे एंजेलो बताता है कि उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि उसने कुछ दिनों में एंजेलो से मिलने का वादा किया था, और अपनी आखिरी चिट्ठी में उसने लिखा था कि वो मारियो को अपने घर से निकालना चाहती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन मारियो उसकी शर्मिंदगी का कारण बन रहा था। दोस्तों, अब स्टोरी में एक नया मोड आता है, और पुलिस इस केस को रीओपन करती है और नए सिरे से अपने जांच को शुरू करती है। जिसके बाद मार्को एंजेलो और पुलिस को बताता है कि क्लॉफी के मौत वाली रात उसने मारियो को कहीं तेजी से जाते हुए देखा था, और पुलिस की मदद से मार्को उस आदमी तक भी पहुंच जाता है जिसने मारियो को साइकिल किराए पे दी थी। इसके बाद उस साइकिल वाले आदमी की गवाही और नए सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस मारियो को गिरफ्तार करने आती है, जिसपे मारियो को काफी शर्मिंदगी होती है, और पुलिस के साथ चलने से पहले कुछ देर की मोहलत मांग के बिशप के कमरे में जाके खुद को फांसी लगा लेता है। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद एंजेलो अपनी सारी प्रॉपर्टी मार्टिल्डा के नाम कर देता है, और वो उसे कहता है कि वो वापस अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसने देश के बाहर अपना एक व्यापार खड़ा कर लिया है और उसकी जिंदगी वहाँ पर अच्छी कट रही है, और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, जिस दिन मारियो ने सुसाइड किया था, उस दिन मार्को और मार्टिल्डा घपाघप करते हैं और एक दूसरे को जी भर के प्यार करते हैं। अब मारियो के मौत के बाद मार्टिल्डा मार्को के साथ शादी करके खुशी खुशी जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन मार्को उसे हमेशा के लिए छोड़कर अपने बोट पर वापस चला जाता है, क्योंकि शायद वो कन्फर्म नहीं था कि उसने उस रात मारियो को साइकिल पर देखा था, वो कोई और भी हो सकता है। लेकिन मार्टिल्डा के कहने पे उसने पुलिस को गलत बयान दिया और नकली गवाही भी दिलाई। इस सब के पीछे मार्टिल्डा का भी हाथ हो सकता है, और इसीलिए मार्को उसे हमेशा के लिए अलविदा कहकर अपनी आजाद जिंदगी में वापस लौट जाता है। और दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।